رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام मेरे मोहतरम मुकर्रम बुजुर्गों अजीज़ों दोस्तों, एक मरतबा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु कातिब वही और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगुज़ीदा सहाबी ने हज़रत मुग़ीरा इब्ने शोबा रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम ख़त लिखा और ख़त में ये लिखा कि आप मुझे कोई हदीस लिख कर के भेज दें जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। सहाबे किराम इल्म के लिए इतने कोशां और ख्वाहिशमंद रहते थे कि जब भी किसी सहाबी से मिलते थे या किसी से कोई ख़त और किताबत होती थी तो अल्लाह के नबी की अहादीस के बारे में पूछते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान सुना हो तो मुझे सुना दीजिए। एक एक हदीस को हासिल करने के लिए मदीना से शाम का, मदीना से दिमश्क का सफ़र किया करते थे एक एक हदीस को हासिल करने के लिए। वो हदीस जिसके हासिल करने के लिए हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ख़त लिखा शाम से मुग़ीरा इब्ने शोबा रज़ी अल्लाहु अन्हु को मदीना, वो आपको यहाँ बैठे बैठाए मैं फ्री में सुना रहा हूँ। ज़रा अंदाज़ा करें कि सहाबा के दिल में कितना इश्क था अल्लाह के नबी से और नबी की अहादीस से और उस पर अमल करने के लिए कितने फ़िक्रमंद हुआ करते थे। कहा कि आपने कोई हदीस अल्लाह के नबी से सुना हो, जबकि ख़ुद सहाबी या रसूल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिरादर निस्बती हैं, क़ुरान करीम की वही को लिखने वाले हैं, 70 खतूत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु ने लिखे हैं, 111 खतूत मेरे नबी ने लिखवाए जिसमें से 70 ख़तों के लिखने वाले हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु। लेकिन सवाल करते हैं कि आपने कोई हदीस बराहे रास सुना है जो मैंने न सुनी हो, वो आप मुझे बयान फरमा दें। हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ख़त का जवाब लिखा, कहा कि हाँ मैंने ये हदीस सुनी है प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस इरशाद फरमाई, इन्नल्लाह यकरहु लकुमुल क़ील वल क़ाल वइज़ाअतल माल वकसरतस सुआल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीज़ों की ममानअत फरमाई है। नंबर एक फरमाया, अल्लाह नापसंद फरमाते हैं, अल्लाह नापसंद फरमाते हैं तुम्हारे लिए तीन बातों को। सबसे पहली बात इरशाद फरमाई, अल-क़ील वल-क़ाल। क़ील और क़ाल, क़ील और क़ाल को ये समझ लें उर्दू में आप हजरात, फजूल बहसो मुबाहसा। अल्लाह नापसंद फरमाता है फजूल बहसो मुबाहसा, जिससे कोई ताल्लुक, कोई फ़ायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है, न दुनिया का कोई फ़ायदा न आखिरत का कोई फ़ायदा, फजूल की बहसों में। अब आप देख लें जहां दो चार लोग बैठते हैं और फालतू और फजूल बहसों के अंदर अपने वक्त को गुजारते हैं, इधर उधर की चीज़ों में, पॉलिटिक्स के अंदर, फलां जीतेगा कि हारेगा, जिससे न कोई फ़ायदा है न इल्म गैब अल्लाह ने अता फरमाया है, उन चीज़ों के अंदर अपने अवकात को और कीमती अवकात को इंसान ज़ाया करता है। अल्लाह इसे सख्त नापसंद फरमाता है। ये वक्त अल्लाह की दी हुई अमानत है, कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वक्त के बारे में सवाल करेगा,
अहले जन्नत को जन्नत में जाने के बाद दुनिया में किसी घड़ी के गुजरने पर अफसोस न होगा, सिवाय उस वक्त के जो दुनिया में अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजारा है। यूं ही बैठा था, फालतू बहसो मुबाहसा कर रहा था, यूं ही लायानी कलिमात कह रहा था, इनकी और उनकी चुगली और गीबत और हरामकारी के अंदर मुब्तला था। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे सख्त नापसंद फरमाते। सबसे पहली चीज, इसलिए हम सब हजरात नियत करें इंशाअल्लाह कि आज के बाद से हम फजूल बहसो मुबाहसा से गुरेज करेंगे। अब कैसे गुरेज करें? कोई साथी आपके पास आया तो जानते हैं कि वो अभी कुछ ना कुछ छेड़ेगा और गीबत शुरू हो जाएगी, तो आप उसके छेड़ने से पहले छेड़ दीजिए। आए बैठे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ भाई, जरा अत्तहियात सुनाना, या आप पहले सुनाएं, जरा भाई मेरी अत्तहियात सुन लो, आप माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, आप मेरी अत्तहियात सुन लें, हो सकता है कोई गलती हो तो ठीक हो जाए। अत्तहियात सुना दिया और फिर कहा आप सुना दीजिए, फिर कहा दुआए कुनूत जरा सुन लेना और दुआए कुनूत उससे सुना दीजिए। 10 मिनट के बाद वो सीधे निकल जाएगा, करके देख लीजिएगा आप। आप हजरात का कहना है, बहुत से हजरात कहते हैं अरे क्या करें, वक्त तो गुजरता ही नहीं है। मैंने कहा वक्त गुजारा जाता है, और इंसान अच्छे आमाल के अंदर जब वक्त गुजारता है, अल्लाह उन्हीं औकात को सवाब के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो फजूल बहस व मुबाहसा से परहेज करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात मेरे नबी ने बताई, इन्नल्लाह यकरहु लकुमुल क़ीला वल क़ाल व इज़ाअतल माल, अल्लाह तुम्हारे लिए माल को ज़ाय करने के को नापसंद करता है। माल को ज़ाय करना, फजूल खर्ची करना, अल्लाह इसे नापसंद करता है। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश्शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। अभी कल आप देख लें कितने मुसलमान धड़ल्ले से अपने पैसों को पटाखे जलाने के अंदर और फुलझड़ी जलाने के अंदर, रॉकेट जलाने के अंदर, अपने बच्चों को पटाखा दिलाने में, छुटपुटिया दिलाने में, बंदूक दिलाने में खर्च कर दिए। ये पैसा इज़ाअते माल है, अल्लाह की नेमत को जाय करना है। कल कयामत के दिन अल्लाह इसके बारे में सवाल करेंगे। पिछले हफ्ते इसका बयान हो चुका है, अल्लाह रब्बुल इज्जत माल के बारे में सवाल करेंगे, कहां से कमाया और कहां खर्च किया। और बहुत से मुसलमानों को देखा गया, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो बाकायदा हैप्पी दिवाली कहकर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। याद रखें, अच्छी तरह समझ लें, हैप्पी दिवाली कहना या किसी भी गैर मुस्लिम त्यौहार पर उस त्यौहार की मुबारकबाद देना, यह नाजायज है, हराम है, जायज नहीं है। और बाकायदा पहले से फोटोग्राफ बनवा करके और इश्तेहार बनवा करके सोशल मीडिया पर शाये किया जा रहा है। ऐसे हजरात भी हैं जो बाकायदा टीका वगैरह लगा करके, धागा वगैरह पहन करके बाकायदा मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। ये एक हिंदुआना अमल है, ये एक शिरकिया अमल है। इसलिए अच्छी तरह समझ लें, आपकी नियत अल्लाह जानता है, लेकिन इस्लाम जाहिर का मुकल्लफ है, इस्लाम जाहिर पर हुक्म लगाता है। अगर आप जाहिरी एतबार से कुफ्रिया अमाल करते हैं, कोई हक नहीं है कि आप अपने आप को मुसलमान कहें। चेंज कर लीजिए अपना नाम, श्याम नास और रामलाल रख लीजिए, मुसलमान नाम रखते हैं और गैर मुस्लिमों वाले काम करते हैं। इसलिए बिल्कुल ऐसे अमाल से अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। और दिवाली की मिठाई के बारे में बहुत से हजरात सवाल करते हैं, दिवाली की मिठाई हो, होली की मिठाई हो, किसी त्यौहार की मिठाई हो, अगर वो पूजा पाठ की है, चढ़ावे की है, उसका खाना जायज नहीं है। लेकिन अगर चढ़ावे की नहीं है तो फिर भी खाने में एहतियात करना है। अफजल है क्या है? एहतियात करना, ताकि हमारे पेट के अंदर एक हलाल हराम लुकमा ना चला जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस पेट में एक हराम लुकमा जाएगा, 40 दिन की इबादत, 40 दिन की नमाज, अल्लाह उसके मुंह पर मार देगा। मेरे भाई, इसलिए हराम से अपने आप को बचाओ, शिरकिया अमाल से अपने आप को बचाओ, पटाखा फोड़ने से अपने आप को बचाओ। शादी ब्याह के मौके पर अपने पैसों को यूं अल्लाह के लिए खर्च करो, लेकिन गैर फजूल खर्च कामों में, फजूल खर्ची के अंदर अपने पैसे को न लगाओ। कल कयामत में अल्लाह को इसका हिसाब देना है।
तीसरी चीज मेरे नबी ने इरशाद फरमाई, वकसरत सवाल, ज्यादा सवाल करने से, ज्यादा सवाल का मतलब यह होता है फजूल सवाल कर देना, जो जरूरत की चीजें हैं उसे तो पूछना ही पूछना है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फसअलू अहलज़्ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछ लिया करो। लेकिन कसरत सवाल, यूं ही बस सवाल पर सवाल करते जाना, एक साहब का फोन आया, पूछने लगे कि मुफ्ती साहब ये बताइए दुनिया में कौन से ऐसे पांच औकात हैं जब सूरज जमीन की रोशनी, सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पड़ी। मैंने कहा इस सवाल से तेरा दुनिया और आखिरत का क्या फायदा है, नमाज के सारे मसाइल मालूम हो गए, नमाज में इतने मसाइल हैं मालूम हो गए, जकात के मसाइल मालूम हो गए, हज के मसाइल मालूम हो गए। ये शैतान फजूल सवालों के अंदर लगाता है, इसीलिए अरबी में कहा गया अस्सवाल निस्फुल इल्म, सवाल करना भी आधा इल्म है। हमें इसका इल्म होना चाहिए, हमें क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है। ये तीन चीज़ों से अपने आप को बचाना है, फजूल बहस व मुबाहसा से बचाना है, माल को ज़ाय करने से बचाना है, कसरत सवाल से बचाना है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा ला यंदुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे माल को नहीं देखता, वलाकिन यंदुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह तुम्हारे अमाल को देखता है। अल्लाह के ये नहीं देखा जाता तो ये काला है कि गोरा है, ये नहीं देखा जाता ये अमीर है कि गरीब है, ये मर्द है कि औरत है, ये रईस है, चार तल्ले का मकान है, फॉर्चूनर गाड़ी है। अल्लाह के यहां सूरतों को नहीं देखा जाता, अल्लाह के यहां मालो दौलत को नहीं देखा जाता, अल्लाह के यहां तो दिल देखे जाते हैं, अल्लाह के यहां आमाल देखे जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत में सरशार कर लो, अपने नबी की मोहब्बत में गिरफ्तार कर लो, नबी के आशिक बन जाओ और आमाल के ऊपर उतर जाओ, अल्लाह से तौबा कर लो और अल्लाह से कह दो अल्लाह अब जितनी गुनाहें हुई हैं अल्लाह मैं माफी चाहता हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह बड़ा गफूर है, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है। और आज के बाद से सारी गुनाहों से इज्तनाब और तौबा करना है और सारी गुनाहों से परहेज करना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब लोगों को तमाम किस्म के मफासिद और बिदआत और खुराफात से हिफाजत फरमाए और अल्लाह अपने नबी की सुन्नतों का आशिक बनाकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ईमान पर हम सब का खात्मा अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।